नंबर 10 पे हमारे पास है वाइकिंग्स वालहाला। Did you just arrive from that storm? I did. ये सीरीज हिस्टोरिकल ड्रामा एडवेंचर के जॉनरा में लाई करती है। ये सीरीज बेसिकली वाइकिंग्स के 100 साल बाद सेट है, जब वाइकिंग्स और रॉयल्स के बीच की राइवलरी दोबारा शुरू हो जाती है, और ये सब वाइकिंग्स को बहुत अफेक्ट कर रहा होता है, बिकॉज एज दे से यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। वाइकिंग्स आपस के ही रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रिजोल्व कर पा रहे होते, और ये सब वाइकिंग्स को बहुत वीक कर रहा होता है। इट्स वेल सेड, एवरी राइज हैज टू फेस अ फॉल। बाकी ये सीरीज एक सिनेमैटिक वंडर है, और इसके एक्शन सीक्वेंसेस हार्ट थ्रॉबिंग और नमिंग है, सो इट्स अ मस्ट वॉच। नंबर 9 पे है द व्हील ऑफ टाइम। इस सीरीज को देखने का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें मनी हाइस्ट के प्रोफेसर हैं, और मोस्टली लोगों ने ये सीरीज इसी वजह से देखी है। ये एक फैंटेसी सीरीज है। व्हील ऑफ टाइम एक इमेजिनरी मैजिक वर्ल्ड पे सेट है। इट्स अबाउट द मैजिक जो सिर्फ कुछ लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। सीरीज का प्लॉट सेट है जब एक वुमेन मोरैन अपने विलेज से 5 यंगस्टर्स को इकट्ठा करती है। इन पांचों में से एक एक पावरफुल ड्रैगन का दूसरा जन्म होता है। मोरैन सस्पेक्ट करती है कि या तो ये दुनिया को बचा लेंगे या तबाह कर देंगे। सो मच फॉर द कंफ्यूजन मोरैन। ये सीरीज उनके डेंजरस जर्नी को लेके चलती है। ये सीरीज फिक्शनल फैंटेसी लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच है। नंबर 8 पे है 2020 की रिलीज जर्मन वॉर ड्रामा सीरीज बारबेरियंस। ये सीरीज रोमन एम्पायर के उस टाइम की फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जब वहाँ जर्मेनिया का रूल था। ये उन इवेंट्स को हाईलाइट करती है जो रेबेलियस जर्मन ट्राइब्स ने की हैं। स्टोरी का प्लॉट इस कॉन्सेप्ट को लेके चलता है कि रोमन एम्पायर जर्मेनिया के रूल के अंडर है, और रेबेलियस जर्मन ट्राइब्स को ऑप्रेस किया गया है। स्टोरी स्टार्ट होती है आर्मीनियस से, जो कि एक रोमन आर्मी का नाइट होता है। उसको और उसके छोटे भाई फ्लेवियस को गुलाम बना के रोमन आर्मी को दे दिया जाता है। आर्मीनियस जब जर्मेनिया वापस आता है, तो वो रोमन आर्मी का ऑपरेशन देख के अपने ट्राइब के लिए फाइट करना शुरू करता है। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द वॉर ऑफ ट्यूटरबर्ग फॉरेस्ट। ये सीरीज बिल्कुल नई और अंडररेटेड है, विच मेक्स इट अ मस्ट वॉच। नंबर 7 पे हमारे पास है मार्को पोलो। ये एक हिस्टोरिकल एडवेंचर सीरीज है। मार्को पोलो हिस्ट्री में एक बहुत मशहूर ट्रेडर था, एंड ही मार्क्स एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चाइनीज हिस्ट्री। स्टोरी शुरू होती है जब मार्को पोलो का बाप उसको मंगोल्स के पास छोड़ जाता है। हियर मार्को पोलो स्टार्ट्स हिज जर्नी, जिसमें उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है अपनी जगह बनाने के लिए और उनके बीच रहने के लिए। स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है जब ही फॉल्स इन लव विद अ चाइनीज प्रिंसेस। ये सीरीज लव, बिट्रेयल, स्ट्रगल और एक्शन का एक परफेक्ट कॉम्बो है। नंबर 6 पे है अ वेरी एंटिसिपेटेड सीरीज द विचर। समथिंग हैज चेंज्ड गर्ल, वर्ल्ड्स एक्टिंग स्ट्रेंज दीस डेज। ये सीरीज भी एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है। ये सीरीज 3 मेन कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, गैरेट ऑफ रिविया, प्रिंसेस सीरी एंड येनिफर। स्टोरी स्टार्ट होती है जब ये तीनों मिलते हैं, एंड गैरेट ऑफ रिविया हैज दिस जॉब टू प्रोटेक्ट प्रिंसेस सीरी। ऑन द अदर हैंड, गैरेट और येनिफर की स्टोरी भी चलती है। लेट्स ऑल एडमिट वी वॉच इट फॉर आवर सुपरमैन, बट ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और थ्रिलिंग सीरीज है। नंबर 5 पे है आउटलैंडर। ये एक फिक्शन फैंटेसी है। ये सीरीज एक टाइम ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस है, विच आई नो इज अ क्रेविंग फॉर ऑल ऑफ अस। स्टोरी एक मेन कैरेक्टर क्लेयर को लेके चलती है, जो कि एक फॉरेनर ब्रिटिश नर्स होती है, और वो अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड ट्रेवल कर रही होती है। टू हर सरप्राइज, वो 1945 के बजाय 1743 के स्विट्जरलैंड में ट्रेवल कर जाती है। ना ही सिर्फ ये कि उस टाइम उसकी लाइफ डेंजर में होती है, बट इट्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आसमान से गिरा खजूर में अटका। यहाँ वो इतनी मेस्ट अप हो जाती है कि वो अपने टाइम में वापस जाना भूल जाती है। ये स्टोरी उसके स्ट्रगल, टाइम ट्रेवल और उसकी जेमी के साथ लव एंगल को लेके चलती है। सो फॉर ऑल द ब्रिटिश टीवी सीरीज लवर्स, इट्स अ मस्ट वॉच। नंबर 4 पे है द लास्ट किंगडम। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है। ये सीरीज एक मेन कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है, उट्रेड। I am Uhtred of Bebbanburg, I shall take what is mine. Bebbanburg's mine! उट्रेड जो कि एक सैक्सन होता है, बट डेन्स उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। ही इज अ फास्टर सन ऑफ रैगनर, जो कि एक बहुत पावरफुल डैनिश होता है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब रैगनर मर जाता है। यहाँ से उट्रेड की स्ट्रगल शुरू होती है। उसकी लॉयल्टी को हर बात पे टेस्ट किया जाता है कि आइदर ही इज लॉयल टू सैक्सन और डेन्स। हियर उट्रेड टेक्स अ डिसीजन दैट ही विल गो बैक टू हिज होमलैंड और वो सैक्सन को आजाद करवाएगा। दिस इज अ सिनेमैटिक वंडर, और ये सीरीज उट्रेड की लाइफ पे बेस्ड है, एंड इज अ वंडरफुल स्टोरी लाइन विच मेक्स इट अ मस्ट वॉच।
नंबर 3 पे है स्पार्टिकस। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है जो न्यूजीलैंड में सेट है। ये सीरीज स्पार्टिकस की एज अ स्लेव स्ट्रगल पे बेस्ड है। उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं व्हिच लेड हिम टू बिलीव कि ही नीड्स टू बी फ्री। यहाँ वो विलेज टू विलेज जाके अपने सारे फेलो स्लेव्स को इकट्ठा करता है टू फाइट अगेंस्ट रोम। एक बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है एंड इफ यू लव ब्लडशेड, स्वॉर्ड फाइटिंग एंड स्कैंडल्स, इट्स वेटिंग फॉर यू। नंबर 2 पे है वाइकिंग्स। इफ यू हैवंट वॉच्ड वाइकिंग्स येट, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मिसिंग आउट। पीपल ऑफ कैटेगरी, आई एम राइट फॉर द बोनलेस, ऑल हेल यू न्यू किंग। वाइकिंग्स एक हिस्टोरिकल एक्शन फिक्शन है और ये सीरीज द लास्ट किंगडम का प्रीक्वल है और वाइकिंग्स वालहाला इसका एक स्पिन ऑफ है। सो इफ यू गाइस वांट टू बिंज वॉच, स्टार्ट फ्रॉम वाइकिंग्स देन द लास्ट किंगडम और फॉर मोर वाइकिंग्स कंटेंट, वाइकिंग्स वालहाला। वाइकिंग्स रैग्नर की लाइफ को लेके चलती है। स्टोरी का प्लॉट बेस्ड है उसकी इंग्लैंड की रेड्स पे और वो कैसे स्कैंडिनेवियन किंग बन जाता है। ये सीरीज एक फिनोमेना है तो इसके बारे में ज्यादा बताना स्टोरी को स्पॉइल करना होगा। सो इफ यू आर इनटू वॉरियर पावर, then you are in the right place. नंबर 1 पे अगर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स को ना रखता तो आई वुड हैव डाइड इनसाइड। गेम ऑफ थ्रोन्स अब तक की मोस्ट वॉच टीवी सीरीज है। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिलर है। ये सीरीज बेस्ड है 7 किंगडम्स पर जो एक आयरन थ्रोन के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। ये एक एक्शन, थ्रिल और सिनेमेटोग्राफी का एक फिनोमिनल कॉम्बिनेशन है। देयर इज अ रीजन इट्स नंबर 1। इट्स सो वंडरफुली रिटन कि यू विल बी वॉचिंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। लेट्स गेट यू मोर एक्साइटेड बाय मेंशनिंग सम ऑफ द स्टोरी लाइंस। डेनेरिस, हु यू माइट नो एज द मदर ऑफ ड्रैगन्स, की शादी कार्ल ड्रैगन से हो जाती है, विच मेक्स हर द क्वीन ऑफ हर किंगडम। दूसरी तरफ स्टार्क्स और लेनिस्टर्स अपने किंगडम के लिए फाइट कर रहे होते हैं और व्हाइल दे आर ऑल फाइटिंग फॉर आयरन थ्रोन, आर्मी ऑफ डेड जिंदा हो जाती है एंड इट मेक्स द स्टोरी लाइन इवन मोर थ्रिलिंग। सो इट्स अ मस्ट वॉच। और अगर आप अपसेट हैं कि इट एंडेड, सो लेट मी टेल यू कि इसका स्पिन ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन अभी HBO पर एयर हो रहा है। आप भी अपनी फेवरेट टीवी सीरीज का नाम कॉमेंट्स में मेंशन करें। फर्दर डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।